आषाढ़ अमावस्या को होगा सूर्य ग्रहण। पितृ पूजा तथा पितृ कर्म या श्राद्ध कर्म कब करे? भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि अमावस्या के दिन इस बार सूर्य ग्रहण हो रहा है और प्रत्येक घरों में, परिवारों में प्रतिमाह आने वाली अमावस्या के दिन पितृ कर्म किया जाता है तथा पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। तर्पण तथा पिंड दान भी कई लोग करते हैं और प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त दान पुण्य कर्म भी किया जाता है। चूंकि इस बार 21 जून 2020 रविवार के दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और सूर्य ग्रहण होने की वजह से अमावस्या का जो दान पुण्य है या श्राद्ध है, तर्पण है, पितृ कर्म है, वो कब करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आषाढ़ माह की बड़ी अमावस्या है जिसे हल हारिणी अमावस्या या दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। और अमावस्या के दिन स्नान दान पुण्य करने की परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में गंगा जल से स्नान भी कर सकते हैं तथा अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का, तुलसी जी का पूजन भी अमावस्या के दिन किया जाता है तथा अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु जी विराजित थे और तने में शिव जी तथा अग्र भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पितरों को जल देने से उनको तृप्ति प्राप्त होती है तथा पितरों के लिए पिंडदान किए जाते हैं तथा पितरों के निमित्त धूप ध्यान आदि कर्म अमावस्या को किए जाते हैं और अमावस्या को ब्राह्मणों को, मंदिरों को, जरूरतमंदों को अन्नदान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है या अन्य कई प्रकार के दान पुण्य अमावस्या को किए जाते हैं। अमावस्या को गरीब लोगों को भोजन करवाने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है तथा अमावस्या के दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करके और उनकी पूजा करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन यदि किसी का चंद्रमा कमजोर होता है तो उन्हें चावल और दही गाय को खिलाना चाहिए जिससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपने पितरों की स्मृति में वृक्ष लगाने का भी बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन वृक्ष लगाने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितरों की स्मृति में अमावस्या को पेड़ पौधे अवश्य ही लगाना चाहिए। अमावस्या या दर्श अमावस्या या आषाढ़ अमावस्या इसे कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपाय करने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है और पूर्वजों का उद्धार होता है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अमावस्या के दिन ग्रहण का सूतक रहेगा और उसके बाद ग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:43 पर प्रारंभ होगा जो कि दोपहर 2:07 पर समापन होगा और इस ग्रहण का सूतक एक दिन पहले यानी सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के ठीक 12 घंटे पहले यानी 20 जून की रात्रि 10:43 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा जो कि ग्रहण समाप्ति तक लगातार रहेगा। तो अब पितरों का पूजन कब करना चाहिए, क्योंकि पितरों के पूजन का जो समय होता है वो मध्याह्न काल होता है और मध्याह्न काल लगभग व्यतीत हो जाएगा, इसलिए इस पितृ कर्म को आप शास्त्रों के विधान अनुसार मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या में यदि करना चाहें तो आपके लिए सर्वोत्तम दिन रहेगा 20 जून शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन अमावस्या दोपहर 11 से प्रारंभ हो रही है जो कि रविवार को दोपहर 11:35 तक रहेगी। क्योंकि 21 जून को तो सूर्य ग्रहण है इसलिए ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण काल में पितरों के निमित्त पूजन पाठ आदि कर्म संपन्न नहीं किए जा सकते हैं और जब तक ग्रहण समाप्त होगा तब तक अमावस्या तिथि भी समाप्त हो जाएगी यानी प्रतिपदा लग जाएगी, इसलिए मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है वो पितृ कर्मों में श्रेष्ठ मानी जाती है
जो कि 20 जून को है। 20 जून को 11 बजे से ही अमावस्या प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए आप पितरों के निमित्त जो भी कर्म करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, पिंड दान आदि करना चाहते हैं, या दान पुण्य करना चाहते हैं, या पितरों के निमित्त धूप ध्यान आदि कर्म करना चाहते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते हैं और गरीबों को भोजन करवाना चाहते हैं, या मंदिर में या ब्राह्मणों को आटा सीधा दान करना चाहते हैं, तो आपको 20 जून शनिवार के दिन ही यह कर्म संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 जून को मध्यान्ह व्यापिनी अमावस्या भी है और उस दिन किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। साथ ही 20 जून को अमावस्या होने से शनि अमावस्या का पुण्य फल भी प्राप्त होगा। इसलिए यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रहा है या शनि की कोई और पीड़ा है, तो आपको शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना भी 20 जून शनिवार को करना चाहिए। शनिवार को अमावस्या है इसलिए इसे शनि अमावस्या भी माना जाएगा। इस दिन पितरों के निमित्त तथा शनि देव की प्रसन्नता के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। तो पितरों को तृप्ति प्राप्त करवाने के लिए 20 जून को उनको जल देना चाहिए तथा उनको प्रसन्न करने के लिए एक कंडे की अग्नि तैयार करके और एक बिना नमक की रोटी बना करके और उसमें गुड़ और घी मिला करके 5 आहुति अग्नि के ऊपर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर तृप्त होंगे तथा उनको जल भी मिलेगा और धुएं से यानी धूप जो लगाएंगे उसका धुआं वह ग्रहण करेंगे तथा उन्हें पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होगी। और आपके पितरों को तृप्ति जब मिलेगी तो आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या को गीता जी का पाठ भी करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए तथा अनाथ आश्रम में जाकर के और उनको भोजन का दान भी करना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, दवाई का दान करना चाहिए और अपने पितरों की स्मृति में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तो पितरों को तृप्त यदि आप करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको 20 जून शनिवार के दिन पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य धूप दीप आदि कर्म करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है और बहुत कोशिशों के बावजूद आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको दर्श अमावस्या यानी आषाढ़ अमावस्या का व्रत रख करके पितरों की तृप्ति के लिए हमने जो बताए हैं वो कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अधिकतम समस्याएं पितृदोष से उत्पन्न होती है। जब पितरों को शांति प्राप्त नहीं हो पाती है तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है और जब उनकी आत्माएं भटकती रहती है, अतृप्त उनकी आत्माएं रहती है, तो घर में पितृदोष बन जाता है और पितृदोष के कारण घर में गरीबी आती है, रोग आता है, शोक आता है, परिवार के मध्य विवादित स्थितियां निर्मित होती रहती है, निरंतर क्लेश व लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, मानसिक अशांति पैदा होती रहती है। यानी यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप समझ लीजिएगा कि अक्सर चतुर्दशी और अमावस्या को आपके घर में लड़ाई झगड़ा अवश्य ही होता होगा और तनावपूर्ण स्थितियां इन दिनों में यदि निर्मित होती है तो निश्चय मानिएगा कि आपके घर में पितृदोष है और बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति पितृदोष के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। आय के सारे स्रोत भी पितृदोष के कारण बंद हो जाते हैं और भी जीवन में अनेक समस्या का सामना पितृदोष के कारण ही करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए जल देना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए या फिर बिना नमक की रोटी में गुड़ घी मिला करके 5 आहुति चतुर्दशी यानी 14 और अमावस्या को पानी रखने के स्थान के पास में गोबर से लीप करके वहां पर धूप लगाना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करें तो आपको अमावस्या के दिन अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ यानी आपका मुंह दक्षिण की तरफ रहेगा और एक पटा बिछाइए, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा दीजिएगा। यदि आपके पिता माता या और भी पितर की यदि आपके
पास फोटो है तो उनकी फोटो वहाँ पर रख दीजिए। वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती लगा दीजिए और पितरों की तृप्ति के लिए आपको एक पिंड बनाना चाहिए। पिंड का अर्थ होता है चावल आपको पकाना है अच्छे से, और उस चावल को पका करके लगभग 100 ग्राम चावल आपको पकाना है। 100 ग्राम चावल पके हुए को अच्छे से आप ठंडे कर लीजिए और ठंडे चावल में थोड़े से काले तिल और जौ मिला दीजिए और उस में जो है आपको दूध दही शहद शक्कर और घी थोड़ा थोड़ा डाल देना है आधा आधा चम्मच, और उसके बाद उसका एक गोला बना लेना है और गोला जो कि पिंड रूप में तैयार हो जाएगा। और हाथ में गोले को रख करके जल रख करके और पितरों का नाम और गोत्र स्मरण करना है। यदि आपको गोत्र नहीं याद है तो उनका सरनेम बोल करके और पितरों के सामने वह पिंड आपको अर्पित कर देना है। इसी को पिंडदान करना कहा जाता है। तो इससे पितरों को परम शांति मिलेगी तथा उनको जो है शांति जब प्राप्त होगी तो आपके घर के पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।